सितरंग चक्रवात का रौद्र रूप। असम में तूफान ने मचाई भारी तबाही। 6 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से जो सितरंग नाम का चक्रवात उठा, उसने अपना रौद्र रूप असम में दिखाया। जी हाँ, असम के नागांव जिले में भारी बारिश और आंधी के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और पेड़ उखड़ गए हैं। तूफान ने मध्य असम के जिले नागांव के कालियाबोर, बामुनी, सकमुथिया चाय बागान, बोरली गांव क्षेत्र के कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। तूफान में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आंधी में कई पेड़, बिजली के पोल भी उखड़ गए और जिले के कई इलाकों में बिजली की तार भी टूट गए। कालियाबोर के ग्राम प्रधान ने कहा कि हमारे कालियाबोर इलाके में तूफान में कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई पेड़ उखड़ गए हैं। एक सरकारी ग्राम प्रधान के रूप में मैंने पूरे गांव का दौरा किया और मैं अपने सर्किल अधिकारी को नुकसान की रिपोर्ट सौंप दूंगा। जबकि असम में कल से जारी मूसलाधार बारिश ने गुवाहाटी के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी है। चक्रवाती तूफान सितरंग के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में कई उड़ानें और ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। चक्रवात सितरंग के असर से पूर्वोत्तर में हवाई संपर्क बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रेलवे भी किसी तरह की घटना से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि चक्रवाती तूफान सितरंग उत्तर पूर्व में अगरतला और शिलांग के करीब अब कमजोर पड़ गया है। चक्रवात सितरंग से बांग्लादेश के 6 जिलों में 11 लोगों की जान गई। चक्रवात सितरंग से भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है, इसीलिए एहतियात के तौर पर पश्चिम बंगाल के निचले इलाकों से कई हजार लोगों को निकाल लिया गया है और 100 से अधिक राहत केंद्र खोले गए हैं, जिनमें लोगों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, फिर चाहे वो रहने की सुविधा हो, खाने पीने की सुविधा हो या दवाइयों की सुविधा हो। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आईएमडी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर असम और असम, मेघालय और नागालैंड के इलाकों में भी बारिश होगी, तो वहीं मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के कई जिलों में अभी से हो रही बारिश और तापमान में कमी आई है। ओडिशा में एनडीआरएफ और प्रशासन हाई अलर्ट पर है, तो वहीं मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है और सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। इस तूफान का असर सुंदरबन और पूर्वी मिदनापुर पर पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। साइक्लोन का अर्थ होता है सांप की कुंडलियां, जी हां, जिसे की ग्रीक भाषा साइक्लोस से लिया गया है। जब बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनता है तो वो एक सांप की तरह सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है और काफी खतरनाक होता है और इसी को आमतौर पर साइक्लोन कहा जाता है। इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।